हेलो बेटा जी, बहुत दिनों से आ रहा हूँ, आपसे मिलने की इच्छा थी, आज उसी संभव हुई है। आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ किन बच्चों से, हर उस बच्चे से जो व्यक्ति दिसंबर 2022 के अंदर एग्जामिनेशन दे रखा है, हर उस व्यक्ति से जो दिसंबर 2022 के अंदर एग्जामिनेशन दे रहा है। ठीक है बेटा जी, सबसे पहले तो ऐसा बेटा जी कि एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और उसी के बाद में हम लोग आगे शायद कोई भी डिस्कशन कर पाएंगे, दैट इज अब्सॉर्बिंग द रिजल्ट। किसी भी स्थिति में है, सबसे पहली चीज ये करनी है कि जो 25 अगस्त का रिजल्ट आया था ना, उसको अब्सॉर्ब कर लो, उसको सबसे पहले जस्ट गल्प इन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। बहुत सारी बातें करनी है, पर सबसे पहली चीज बेटा जी समझना है कि आपको क्या करना है। स्टेप वन, बिफोर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, अमेंडमेंट, रिविजन, एनीथिंग, स्टेप वन इज अब्सॉर्ब द रिजल्ट। Absorb the result। देखिए बेटा जी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों को लगता होगा कि सर हमारा तो बेस्ट पेपर हुआ था, वी हैड गिवन आर 100%, अब कुछ नहीं बचा है, अब मेरे में और हिम्मत नहीं है डबल वापस वही एफर्ट्स देने की, आई हैव ऑलरेडी गिवन माई 100%, कोई गलती का स्कोप ही नहीं था। कुछ व्यक्तियों को लग रहा होगा नहीं सर, कहीं ना कहीं छोटा मोटा तो गलती का स्कोप था। देखिए बेटा जी, हर व्यक्ति को, भले ही आप कैटेगरी ए में आते हैं, कैटेगरी बी में आते हैं, हर व्यक्ति को एक बार रिजल्ट जो भी आया उसको अब्सॉर्ब करने की जरूरत है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि प्रोफेशनल कोर्सेज जो है ना, वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, दैट एवरीवन हु कम्स इन स्टडीज राइट द पेपर शुड क्लियर एंड गो अहेड, इट डजंट वर्क दैट वे। फिर तो कॉलेज जैसे ही हो जाता ना। क्यों एक व्यक्ति जब कोई कॉलेज से कोई नॉर्मल बी कॉम या एम कॉम या कोई भी डिग्री लेके निकलता है, और एक व्यक्ति जो एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर सी ए या सी एस या सी डब्ल्यू बन के निकलता है, क्यों इंडस्ट्री उसको सेपरेट और स्पेशल ट्रीटमेंट देती है? आखिर क्यों देती है वो स्पेशल ट्रीटमेंट? वो स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए मिलता है बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। आपने जो एक एक कठोर सा प्रोसेस था वो आपने गो थ्रू किया है, एंड दैट हैज मेड यू अ सुपर्ब, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इंटेलेक्चुअली एज वेल एज ओवरऑल प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन के अंदर। सर कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कॉलेजेस से निकलते ही बहुत ज्यादा मार्केट में रिस्पेक्ट है, आईआईएम, आईआईटीज एक्सेट्रा, तो वहां पर वो व्यक्ति ने भी वो प्रोसेस गो थ्रू किया एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस। तो अगर मान लीजिए उन कॉलेजेस से निकले हुए हर व्यक्ति को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तो व्यक्ति ने वो जो गो थ्रू किया है वो एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस गो थ्रू किया है। हर व्यक्ति जो आईआईएम के एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा है, हर व्यक्ति जो आईआईटी के एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा है, वो भी जो आप गो थ्रू कर रहे हैं वो गो थ्रू करता है। तो एक व्यक्ति को ये जो पूरा प्रोसेस है इसको गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा। कोई बड़े से बड़ा कॉलेज ले लीजिए, उसके एंट्रेंस में ऐसा नहीं होता हर कोई व्यक्ति आता है और उसको मिल जाता है एडमिशन। जो कॉलेजेस में हर किसी व्यक्ति को मिल जाता है, तो वहां पर उसको कॉलेज से पास होने के बाद फिर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो अगर हमको इंडस्ट्री के अंदर वो रिस्पेक्ट चाहिए, तो वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, वी हैव टू किल दिस प्रोसेस 100%, एंड देन वी हैव टू बिकम दैट पर्सन विच इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, इन द इंडस्ट्री। तो बेटा जी उसके लिए प्रोसेस को गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा। तो प्रोसेस हर बार एग्जामिनेशन होता है, एंड हर बार दे इंश्योर कि सिर्फ कुछ बच्चों को, जो टॉप 10% मान लीजिए, उन बच्चों को अगले लेवल पे भेजा जाता है और बाकी बच्चों को वापस वही एग्जामिनेशन लिखने के लिए दिया जाता है। तो वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, बट बिलीव मी वंस यू आर डन विथ इट, एक बार आपने ये सब चीज कंप्लीट कर ली, इट इज ऑल 100% वर्थ इट। ये जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं या फिर जो आप अभी गो थ्रू कर रहे हैं, ये जीवन भर आपको साथ देने वाला है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भैया जिस दिन डिग्री मिल गई उस दिन से बस आपके आगे कंपनीज की लाइन लगी होगी और एकदम पैसा ही पैसा होगा, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये चीज करने के बाद जीवन में आप कुछ बहुत बेहतरीन जरूर कर लोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। कुछ बहुत बेहतरीन कर पाओगे आप जीवन के, यू विल बी रिस्पेक्टेड इन द इंडस्ट्री एंड यू विल बी एबल टू वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल कंपनीज। ये बात तो तय है, ये बात तो 100% है। तो इन चीजों का ध्यान रखो, एक करियर ओरिएंटेशन रखो और जी जान से वापस भिड़ो। यू हैव टू हैव फेथ इन द प्रोसेस, यू हैव टू हैव फेथ इन द प्रोसेस। अब ये करने के बाद बेटा जी क्या करना होगा, अब्सॉर्ब द रिजल्ट एंड देन स्टेप टू, अंडरस्टैंड, कोशिश करो ये समझने की, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वेयर देर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, कि कहां एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। समझिए एक बार आराम से सोचिए, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हो सकती है सब्जेक्ट में, क्या आपको लगता है कि नहीं है मैंने सब्जेक्ट पढ़ाई अच्छे से नहीं था, मुझे अब और मेहनत करके उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, या फिर हो सकती है कि सर सब्जेक्ट पढ़ा तो था लेकिन मैं उस टाइम पे लिख नहीं पा रहा हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस का इशू है, पेपर प्रेजेंटेशन का इशू है, कंप्लीट नहीं होता है पेपर मुझसे, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होता है, 8 डेज 8 पेपर को मैनेज नहीं कर पाता हूं मैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्या है, कि आपका सब्जेक्ट है प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, इस चीज को समझो कि आपको स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम आया था जिसके कारण एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है। हर व्यक्ति का प्रॉब्लम अलग होने वाला है, यू टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम कि कहां पे मेरे पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है और उस पर भिड़ जाना है, उस पर भिड़ जाना है। थोड़ा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि यार थोड़ा पढ़ाई का भी कवरेज बढ़ाना पड़ेगा, मुझे और अच्छे से भी पढ़ना है और साथ में स्ट्रेस मैनेज भी करना है कि 8 डेज में 8 पेपर या फिर 9 डेज में 9 पेपर नहीं होते मुझसे, तो उसको पहले से प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? अभी पढ़ते टाइम ही हाईलाइटर यूज करके अभी से हाईलाइट करते हुए चलेंगे कि कैसे एग्जाम के दिन पहले रिवाइज करना है, अभी से समरी नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो अभी से एक प्लानिंग रखेंगे ताकि आपको जो परेशानी फेस हुई थी लास्ट एग्जामिनेशन में वो दिसंबर के एग्जामिनेशन में नहीं आए। यहां पर एक थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं कर पाऊंगा तो वो करता हूं। आपको क्या करना है, आपको आरटीआई से कॉपीज के लिए अप्लाई कर देना है। हाँ, आरटीआई से कर सकते हैं, आपको चाहिए कि मुझे आईसीएसआई की वेबसाइट से करना है वैसे कर दो, जैसे आपको ठीक लगता है, जो आपको कन्वीनियंट है वैसे आप कॉपीज के लिए अप्लाई कर दीजिए। सर कैसे अप्लाई करते हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी करेंगे ना हाउ टू अप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपीज थ्रू आरटीआई या फिर हाउ टू अप्लाई कॉपीज थ्रू आईसीएसआई पोर्टल, तो उसके वीडियोज मिल जाएंगे, आप मस्ती से सीख जाएंगे कैसे अप्लाई करना है। आरटीआई मेथड इज मोर इकोनॉमिकल, ठीक है, तो आप कॉपीज के लिए अप्लाई कर दो। जैसे ही आपको कॉपी मिलती है आप कॉपीज को देख के समझो कि कहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, ठीक है। यहां पर बेटा जी अगर आप चाहें तो आप मुझे ये कॉपीज भेज सकते हैं, यू कैन सेंड इट टू मी, और आई थिंक यहां पर मेरा जो सुझाव है वो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। एंड आई विल ट्राई एंड रिप्लाई ईच एंड एवरी पर्सन। सर कैसे होगा, इसके लिए इसी वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म रहेगा, ठीक है। जब आपकी कॉपीज आ जाती है उस गूगल फॉर्म में जाइएगा, वहां पे आपसे नेम, ईमेल आईडी और आपकी कॉपी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जो आपकी सर्टिफाइड कॉपी आई है वहां पे अपलोड कर दो। ऑफ कोर्स आपको ही पता है कि क्वांटम बहुत ज्यादा होगा, बट यहाँ पे आई विल ट्राई कि मैं हर एक कॉपी को देख के मेरे जो सजेशन है उस ईमेल आईडी पे दो, बिकॉज आई थिंक दिस इज रियली 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 गोइंग टू हेल्प यू। आप सब बच्चों के लिए भी मैं कोशिश करूंगा दिसंबर तक, मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँ जिसके अंदर आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी एंड एवरीथिंग, वो सब करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जहां पे आपको मेरा डायरेक्ट 1-to-1 इनपुट की जरूरत है, राइट। और ऑफ कोर्स मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा कि मैं फोन पे बात करके आपको इनपुट दे पाऊं, तो यहां पर आप लोग अपनी कॉपीज भेज देंगे, आई विल इंश्योर कि मैं हर एक कॉपी को देख के और उसमें जो इनपुट है वो मैं इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति को उसके मेल पे दे दूं, ठीक है बेटा जी। ऑफ कोर्स समय लगेगा तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आपको आपकी कॉपी के हिसाब से आपको इनपुट 110% मेरी तरफ से मिल जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो आपको उस गूगल फॉर्म पे अपलोड कर देना है, उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है, आपको पेशेंटली बैठना है और अपनी ईमेल आईडी को प्रोबेबली वंस इन अ वीक चेक करते रहिए ताकि जो भी मेरा इनपुट होगा वो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज है बेटा जी, इसको करेंगे एंड एकदम तूफान तरीके से आगे बढ़ेंगे कि कोई ताकत हमको रोक नहीं पाए। चलो ये हो गया, तो अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एंड उसके बाद में बेटा जी एक ऐसी चीज करनी है जहां पे कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आप सिर्फ आप खुद की मदद कर सकते हैं, दैट इज सेटिंग डेडलाइंस एंड स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। डेडलाइन सेट करनी है आपको और प्रेपरेशन स्टार्ट कर देना है। एक डेडलाइन सेट करिए कि हाँ ये सिलेबस इस दिन तक हो जाना चाहिए, ये कोर्स इस दिन तक होना चाहिए, सब्जेक्ट इस दिन तक कंप्लीट होना चाहिए, एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन लगेगा, थोड़ा सा पुश लगेगा बेटा जी, बट वापस कह रहा हूं इट इज ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट। आज से 10 साल बाद अगर आप सोचेंगे इस बारे में कि यार उस टाइम पे इतनी मेहनत की थी, यू विल बी वेरी हैप्पी कि उस टाइम पे मेहनत की थी, तो टुडे आई एम हैविंग अ वेल सेटल्ड लाइफ, आई एम एबल टू कंट्रोल माई टर्म्स, आई एम इंडिपेंडेंट, से बहुत सारे बेनिफिट्स है बेटा जी, बट उसके लिए अभी तो जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा जी। तो ये है कुछ चीजें, स्टेप्स जो आपको कंपलसरीली करना ही पड़ेगा। अब एक सवाल है, मुझे पता है आप लोग पूछ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो में घुस जाएं और आप मुझसे सवाल पूछें कि सर वेदर वी शुड अपियर फॉर वन ग्रुप, वी शुड अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स, और प्रोफेशनल के बच्चे पूछ रहे हैं वी शुड अपियर फॉर All the three groups or not? ये एक ऐसा सवाल है बेटा जी जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है सब्जेक्ट्स के ऊपर कि आपको सारे ग्रुप देने हैं या एक ग्रुप देना है। बट इसके अंदर एक जनरल सजेशन ही देता हूं, हर वो व्यक्ति जिसके ऊपर क्लासेस का कोई लोड नहीं है कि सर मेरे क्लासेस तो हो चुकी है बस मेरे को प्रिपेयर करके देना है, शुड अपियर फॉर ऑल द ग्रुप्स। के प्रोफेशनल क्या बच्चे, पूरी क्लासेस हो चुकी है, अभी से इनफ टाइम है, यू हैव इनफ टाइम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड हाफ ऑफ दिसंबर, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम कि आप मस्ती से दे पाएंगे ऑल द पेपर्स। लेकिन अगर आपके क्लासेस भी कोई बाकी है
देन आपको जजमेंट लेना होगा कि वो क्लासेस कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे या नहीं। तो उसके हिसाब से आपको इंडिविजुअल कॉल लेना पड़ेगा कि आपने एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देना है, या फिर प्रोफेशनल के बच्चों ने तीनों ग्रुप देना है। ऑन एनी कॉस्ट नवंबर में कोई क्लास जानी नहीं चाहिए, नवंबर में कोई क्लास जानी नहीं चाहिए। आइडियली तो उससे भी पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, बट ऑन एनी कॉस्ट नवंबर में कोई क्लास नहीं जानी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। और स्माइल करो यारों, और आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, यू आर गोइंग टू किल इट इन दिसंबर एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा जी। तो ये एक सवाल होता है, इसकी बात कर ली हमने। इसके बाद में बेटा जी, हाँ, एक बहुत अहम बात, ठीक है। खैर उस बहुत अहम बात के पहले भी एक बात है। सर सर हमें तो चिंता हो रही है कि अमेंडमेंट्स का क्या, सर सर रिवीजन का क्या। तो एकदम मस्ती से बैठो, इस बार दिसंबर 22 के लिए व्हाटएवर सब्जेक्ट्स आई टीच उसके अंदर अमेंडमेंट्स बड़े ही माइनर है, सो डू नॉट वरी अबाउट द अमेंडमेंट्स। सारे सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट लेक्चर्स आएंगे, एकदम मस्ती से बैठे रहो, सही समय पे आते रहेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम अमेंडमेंट्स वगैरह की बात करेंगे। तो स्टे काम, मस्ती से बैठो और आगे बढ़ो। बड़ी बात आती है रिविजन्स की, तो एक और वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें बिल्कुल आपको सेटअप बता दूंगा किसके अंदर किस प्रकार से रिविजन्स होने वाले हैं। अभी बहुत तुरंत प्रभाव से हम लोग सिक्योरिटीज लॉ का रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसकी भी डेट्स वगैरह आ जाएंगे हर तरफ, एंड वी विल बी कीपिंग यू पोस्टेड। तो स्टे काम, डोंट वरी अबाउट द अमेंडमेंट्स एंड रिविजन, वो तूफान तरीके से हो जाएगा। आप अभी डेडलाइंस रख के और प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। एंड स्टे काम, हर एक चीज बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपके लिए अवेलेबल रखी जाएगी। अब आती है एक और चीज, कैसा होता है बेटा जी, वैसे तो आप बच्चे बहुत 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 स्ट्रांग हो और मुझे आप पे 200% भरोसा है कि आप तूफान प्रकार से स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को कभी भी ऐसा लगता है कि कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यू को बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचिए कुछ बहुत बड़ा ही होना चाहिए, इट कुड बी एज स्मॉल एज ओवरथिंकिंग, दैट्स एन इश्यू राइट, दैट हैम्पर्स योर एफिशिएंसी टू स्टडी। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी प्रकार के इश्यू हैं एंड यू नीड हेल्प, तो उसके लिए बच्चों कुछ 3-4 महीने पहले हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जो अभी भी चल रहा है, दैट इज हेल्प हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। अगर आपको लगता है आपको उसकी जरूरत है, तो एक हमारा ईमेल आईडी रहता है healthfirstssm@gmail.com, वो आपको टेलीग्राम चैनल है शुभम सुखलेचा मेंटरशिप, उस पर एवरी थर्सडे पोस्ट आता है उसका, वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो अभी भी आप वहाँ पे जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, वो उस ईमेल आईडी पे आप पोस्ट करिए, प्रोफेशनल्स आर गोइंग टू रिप्लाई टू यू एंड दैट विल बी सुपर 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 बेनिफिशियल, ठीक है बेटा जी। और ऑफ कोर्स इट गोज अनसेड दैट इट विल बी कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल 100%, ठीक है। तो बेटा जी अगर आपको लगता है कुछ भी परेशानी है ना, तो वी आर स्टैंडिंग बाय योर साइड। आपको क्या करना है बेटा जी, आपको सिर्फ मात्र केवल जी जान से मोटिवेट होके और पढ़ाई शुरू कर देनी है, आपको जी जान से मोटिवेट होके पढ़ाई शुरू कर देनी है। हर चीज का जो आपको परेशानी आ सकती है उसके लिए हम आगे से आगे प्लान करते रहेंगे। इसके अलावा सीएस प्रोफेशनल के बच्चे जो हैं, जो जानना चाहते हैं कि एमसीएस और आईबीसी के अंदर कैसे स्कोर करना है, बिकॉज इसके अंदर इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ सरप्राइज एग्जामिनेशन के अंदर देती ही देती है, तो उसके लिए भी बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा मैं कि किस प्रकार से एमसीएस और आईबीसी के पेपर्स को हैंडल करना है एग्जामिनेशन के अंदर। उसके अलावा बेटा जी रिविजन्स अमेंडमेंट्स वगैरह की डेट भी बहुत ही जल्दी आएगी। आप बस क्या करो, आप शांत मन से एक स्माइलिंग फेस के साथ में पढ़ाई शुरू करो, एंड यू गोइंग टू किल इट, यू आर गोइंग टू किल इट इन दिसंबर, ओके। हैव फेथ एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन, आई विश यू ऑल द बेस्ट, दिस वाज नथिंग बट अ स्मॉल हेल्पिंग हैंड कि आप जी जान से फटाफट से भाग के आगे बढ़े एंड दिसंबर के अंदर बेहतरीन तरीके से पेपर्स दें। आई सी पीपल वेरी सून, एंड ऐसा ही कुछ आपके लिए जो भी आगे फर्दर अनाउंसमेंट्स है वो भी लाते रहेंगे। अभी के लिए क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को जो 3 स्टेप बोले इसमें आगे बढ़ना है और इस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच पीपल, बाय बाय।